सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरात मोहतरम, ये ईद मिलादुन्नबी की महफिल है जिसमें हमें और आपको इस कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की दावत दी। हम और आप अपने आका के नाम पर लफ्ज़ कहते हुए इस महफिल में शरीक हुए हैं। सबसे पहले इस नाचीज की फकीर की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी के इस काबिश को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अदा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका इस शानदार महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शिरकत करना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन बजाय सैयद मुसलीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बहुत देर से इस महफिल में तशरीफ फरमा है और यके बाद दीगरे सबके नाम से तो वाकिफ नहीं, अलबत्ता हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिद रज़ा साहब और हज़रत क़ारी गुलाम गौस साहब, इन दो नामों से मुझे वाकफियत है। बाकी मुहसिन कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर्रहमान साहब गया से तशरीफ़ फरमा है और गालिबन आज की इस महफिल में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल है। नाते पाक रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ वही नात नहीं है जो शेर की शक्ल में या तरन्नुम में पढ़ा जाता है, बल्कि हर वो बात, हर वो लफ्ज़ और हर वो जुमले जिससे आका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान होती है, आका का मर्तबा बयान किया जाता है, उस जुमले के जरिए आका का जिक्र जमील किया जाता है, वो भी नाते पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने यके बाद दीगरे सबसे समाप्त किया, मैं चाहता हूं कि नस्म की शक्ल में दुरूद शरीफ के ताल्लुक से दो तीन शेर आप अल्लाह की समातों के हवाले करूँ। इससे पहले एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। पढ़ो दुरूद सुना है हुज़ूर सुनते हैं, पढ़ो दुरूद सुना है हुज़ूर सुनते हैं, पढ़ो दुरूद सुना हुज़ूर सुनते हैं, यही बड़ों ने कहा है हुज़ूर सुनते हैं, यही बड़ों ने कहा है हुज़ूर सुनते हैं, पढ़ो दुरूद हुज़ूर सुनते हैं। हुज़ूर कायनात अलैहिस्सलाम तस्लीम हमारे और आपके दुरूद व सलाम को समाप्त फरमाते हैं, इसकी दलील कहाँ कहाँ से हमें मिलती है आप हज़रात की समातों के हवाले करना तवज्जो चाहूँगा। एक मतलब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दुरूद सुना है हुज़ूर सुनते हैं, कला
अपने आका मौला की बारगाह में पेश करते हैं, वो हमारे आका तक पहुंचता है, उस दुरूद व सलाम का क्या होता है? और आपकी समाप्त होने वाले तवज्जो चाहूंगा, एक मतलब बोल लीजिए सुभान अल्लाह। हमारा दुरूद सुनाने हुजूर सुनते हैं, खुदा के फजल से सुनते हैं हम गुलाम, फजल से सुनते हैं हम गुलामों की, खुदा के फजल से सुनते हैं हम गुलामों की, खुदा का फजल जो बड़ा है खुदा का फजल बड़ा है, हुजूर सुनते हैं, पढ़ो दुरूद सुना है, हुजूर सुनते हैं, यही बड़ों ने कहा है, हुजूर सुनते से पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला किसकी आमद से उजाला है, किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं, किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं, किसकी आमद से उजाला है, कोई और नहीं, वो हलीमा का, वो हलीमा का दुलारा है, वो मोहम्मद का नवासा।
और नहीं। और हजरत सैयदना तैयबा ज़ाहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जिनकी पाकीज़गी का ये आलम कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इतना अली को मौली तो बात की किस्सा है कई 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 तकदीरा ने सी आयत कुरान का हासिल फरमा लिया। ये तमाम फरमाते हैं हजरत सैयदना तैयबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ के ताल्लुक से शेर और बिलखुसूस ये दुआ और शेर के साथ साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी माओं बहनों को भी उसी तरह का जज्बा अता फरमाए और उसी तरह ज़ौक ज़िंदगी अता फरमाए। वो निजी आमीन जिसकी आमद से उजाला है कोई और नहीं। कौन है जिसने गुजारी शबे सजदे में, कौन है जिसने गुजारी शबे सजदे में, कौन है जिसने गुजारी शबे सजदे में। सैयदा फातिमा ज़हरा है कोई यार नहीं। कौन है जिसने गुजारी शबे सजदे में, कौन है जिसने गुजारी शबे सजदे जिनके सरे मुबारक को देखकर बरेली के ताजदार ने यूं गोया होकर फरमाया, जिनके माथे शुफान का सेहरा रहा उस जमीने सादत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल तरशी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत और मुहब्बत पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। जिनके बाजुए मुबारक को बरेली के ताजदार ने देखा तो यूं गोया हुए जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराने अकीदत और मुहब्बत पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। जिनके आने के वक्त को
बरेली के ताजदार ने देखा तो यूं बोया हुए जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे आंखों सलाम। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अजीलत और मोहब्बत पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे, जिनको देखकर बरेली के ताजदार ने मैदान महशर का नक्शा खींचा और यूं गोया हुए यूं अर्ज किया, काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगे, जिनके हुस्न को देखकर आज से 1400 साल पहले हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वह अहसन मिनका लम तरफत उलैनी व अजमल मिनका लम तरिद निसा खुलिक्त मुबर्रअ मिन कुल ऐब कअन्नक कद खुलिक्त कमा तशा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन मेरी निगाह ने आज तक देखा नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा जमील किसी माता ने आज तक दुनिया में जना नहीं। या रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आपको अल्लाह ताला ने हर ऐब से मुनज्जह व मुबर्रअ फरमाया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वैसा ही पैदा फरमाया है गोया के जैसे आप पैदा होना चाहते थे। अब सवाल होता है, ए हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो बताइए, क्या आपने सिर्फ हजरत आपने सिर्फ रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम की ज़ियारत की है? आपने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखा है, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा दावा कि आपसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं आया है और मेरी आंख ने नहीं देखा है, आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी माता ने इस दुनिया में पैदा ही नहीं किया है। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने है हर ऐब से मुनज्जह व मुबर्रअ फरमाया है, कि आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा है? क्या उनके हुए जमाल की ज़ियारत से आप मुशर्रफ हुए हैं? जवाब आता है नहीं। क्या आपने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को देखा है? जवाब आता है नहीं। क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आपने की है? जवाब आ रहा है नहीं। क्या आपने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखा है? जवाब आ रहा है नहीं। क्या आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है? जवाब आ रहा है नहीं। क्या आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है? जवाब आ रहा है नहीं। फिर ये बताइए कि मैं आलमे शौक में ये सवाल कर रहा हूँ, जब आपने ये नहीं देखा, हजरत आदम को नहीं देखा, हजरत शीश को नहीं देखा, हजरत नूह की ज़ियारत से मुशर्रफ नहीं हुए, हजरत ज़करिया का दीदार नहीं किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीदार से आप मुशर्रफ नहीं हुए, फिर ये आप किस तरह दावा कर सकते हैं? इसलिए कि आज की तारीख में सिर्फ हमारा दावा हमसे किया जाए तो ये गुमराह की सरजमीन के अहले सुन्नत वल जमात के अफराद बगैर किसी दलील के ये बात मान ले कि हाँ, हमारे नबी हमारे पैगंबर जिनके हुस्न जमाल की आप दलील दे रहे हैं और जिनके हुस्न जमाल की आप पढ़ाई बयान कर रहे हैं, उनका ज्यादा उससे ज्यादा हसीन और जमील अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया, हम तो ये बात मान ले, हम तो इस बात को तस्लीम कर लें। लेकिन दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान मुल्क चीन है, जापान है, रूस है, जर्मन है, जापान है, अमरीका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रिटेन है, वहाँ के लोग आपकी बात को क्यों कर माने? इसलिए कि कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो चश्मदीद हो, जो चश्मदीद हो और आई विटनेस हो, जिसने अपनी निगाह से देखा है। ये बताइए, आपने नबी कायनात को सबसे ज्यादा हसीन और जमील कहा है, सबसे ज्यादा खूबसूरत कहा है, जब आपने हजरत आदम को नहीं देखा, क्या आपके पास कोई ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसने कि हजरत आदम को देखा हो, जिसने कि हजरत शीश को देखा हो, जिसने हजरत नूह को देखा हो, जिसने हजरत ज़करिया को देखा हो? सुनिए, आलमे शौक में हजरत हस्सान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब आ रहा है, ऐ नाबिस साईं, अगर जानना चाहते हो सुनो, ऐसा नहीं है मैं यूं ही बोल रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा गवाह है, मेरे पास एक ऐसा चश्मदीद है जिसने कि हजरत आदम को भी देखा है, जिसने कि हजरत नूह को भी देखा है, जिसने हजरत शीश को भी देखा है, जिसने हजरत ज़करिया को भी देखा है, जिसने हजरत यहया को भी देखा है, जिसने हजरत मूसा को भी देखा है। अब सवाल हो रहा है, वो कौन है? हजरत हस्सान
करते हैं, कम हेयर आ जाओ मेरे करीब और मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व तस्लीम है। सुनिए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम व तस्लीम के करीब लेकर गए। आज हमें शौक में सवाल हो रहा है, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम व तस्लीम, क्या आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा? जवाब आ रहा है, हाँ देखा है। हजरत शीश को देखा? जवाब आया, हाँ देखा। हजरत सकरिया को देखा? जवाब आ रहा है, हाँ देखा। इसलिए के तमाम पैगंबरों का पैगाम लाने वाला मैं हूँ, तमाम पैगंबरों का नासिर मैं हूँ। उसूल मैं लेकर आया, शरीयत मैं लेकर आया, उसूल मैं लेकर आया, शरीयत मैं लेकर आया, कानून मैं लेकर आया, साबता मैं लेकर आया, निजाम जिंदगी मैं लेकर आया हूँ, तौरात मैं लाया, सूर मैं लाया, इंजील मैं लाया, कुरान अजीम मैं लाया। तो फिर ये बताइए कि पूरी कायनात आलम में जो हसन बिन साबित का ये नजरिया है और अकीदा है और जो बयान कर रहे हैं, वो हसन बिन का लम तरबत तो ऐनी और अजमल बिन का लम तरीद निसाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी निगाह ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, हैंडसम, खूबसूरत किसी माता ने दुनिया में बच्चा नहीं जना है। क्या ये दुरुस्त है? ये किस तरह कह रहे हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम व तस्लीम की ज़बानी बरेली के ताजदार अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेली अलैहि रहमतुल्लाह जिस्मान कहते हुए नजर आ रहे हैं और बरेली के ताजदार फरमा रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमारे मजहब मिल्लत को हमें पहचानना चाहिए, परखना चाहिए,
आज की तारीख का नई, आज की नई तारीख का नया नया साइंस दान और नई नई तकनीकें खोजने वाला, ढूंढने वाला, जिस चीज को बगैर देखे हुए हम तस्लीम करने को तैयार नहीं होते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं, मुशाहिदा करने को तैयार नहीं होते हैं। मसलन आज की तारीख में ये माइक है, इससे पहले ये तार वाला माइक जो मौजूदा वक्त में है ये चल रहा है, पहले भी चल रहा था। अब के जमाने में ऐसा भी माइक आया है जो वायरलेस है, जिसमें के तार नहीं है, बगैर तार के वो माइक है। अगर आज से 10-20 साल पहले हमें और आपको कोई आकर ये कहता कि सुनिए फला जगह हमने ऐसा माइक देखा है जिससे कि साउंड बहुत खूबसूरत, आवाज बहुत अच्छी निकलती है, उसमें तार भी नहीं है और बगैर तार के है, हम में से हर कोई शख्स बोलता हुआ नजर आता, ये इंसान यकीनन पागल हो गया है या इसके जहन ने काम करना बंद कर दिया है। बगैर तार के कहीं माइक होता है और आवाज दूर तक जाती है। यही बात अगर हमें और आपको आज से 20 साल पहले कोई इंसान कहता कि हमने ऐसी चीज देखी है, ऐसा आला देखा है जिसको कान से लगाओ और अमेरिका में बैठा हुआ इंसान हो उससे गुफ्तगू करो, लंदन में बैठे हुए इंसान को देख सकते हो, जर्मनी में बैठे हुए इंसान की ज़ियारत कर सकते हो, मुशाहिदा कर सकते हो, उसकी नकल व हरकत से वाकिफ हो सकते हो। अगर ये आज से 20 साल पहले हमें और आपको कोई कहता तो यकीनन हम में से हर शख्स बोलता हुआ नजर आता, ये इंसान यकीनी तौर पे ज़हनी मलबूज हो गया है, इसके ज़हन ने काम करना बंद कर दिया है। मगर आज की तारीख है और आज की तारीख में अगर हमें और आपको कोई कहे मौलाना साहब, फला साहब एक ऐसा आला है जिसमें के आप अपने घर में बैठ जाएं, आपके रिश्तेदार हो, उस्ताद हो, आपके मानने वाले, जानने वाले और चाहने वाले हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, रूस में हो, मक्का शरीफ में हो, मदीना शरीफ में हो, गज़ा के किसी भी जगह हो, वहाँ आप देख सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, उनसे आप ऑनलाइन देख कर गुफ्तगू कर सकते हैं। तो आज के लिए ये बड़ी बात नहीं है, आज के लिए ये ताज्जुब की बात नहीं है, आज के लिए ये हैरत की बात नहीं है। आइए आज से सैकड़ों साल पहले चलिए, जब रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में नहीं भेजा था, तो उस वक्त रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह, किस शक्ल में और किस जगह थे, जिस जगह के रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हजारों साल नहीं बल्कि लाखों लाखों साल गुजारा है। आइए आज की तारीख में दो तरह के लोग हैं, मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ ये सिर्फ सुनने वाली नहीं है, ये मुशाहिदे की बात है और मुशाहिदे के साथ साथ इस पर गौर और फिक्र करने की चीज है। आप अपने ज़हनो दिल को हासिल करें और ज़हनो दिल को हासिल करने के बाद मेरी बात आप समाप्त फरमाएं। आज की तारीख में दो तरह के लोग हैं, आज की तारीख में दो तबका है, दो ग्रोह है, दो ग्रोह दो ग्रुप है। वो दो ग्रुप कौन सा है? एक ग्रुप ऐसा है जो अलीफ बा ता था जी महा दाल दाल राजा शीर शीर साफ दाल वाला है, ये यहाँ तक जाकर एक तबका ये हो गया। दूसरा तबका है वो अंग्रेजी वाला है, एबीसीडीईएफजी वाला है। आइए लोगों से पूछिए, ऐसे साइंसदानों ये तो बताओ तुमने जदीद जदीद चीजों की खोज की है, तुमने बहुत सारे ऐसे सैयारे की खोज की है जिस सैयारे को लोगों से वाकफियत नहीं थी, जिस सैयारे से लोग वाकफियत नहीं रखते थे, जिस सैयारे को लोग जानते नहीं थे, चाहे वो लून है, चाहे वो नेपच्यून हो, या प्लूटो हो, या मार्स हो, या मरकरी हो, कोई भी वो सितारा हो, उससे लोग वाकिफ नहीं थे और तुमने उन सितारों को खोजा है। और उस खोज के लाने के बाद ये बताइए, ये सैयारे जो हमारी और आपकी आंखों के सामने है, इस सैयारे को देखने के बाद ये अंदाजा होता है, ये हैरत की चीज है, ये ताज्जुब की चीज है। लेकिन इन लोगों से पूछिए, ये तो बताइए, जब ये दुनिया नहीं थी, ये कुमला नहीं था, ये रांची नहीं था, ये दिल्ली नहीं था, ये कलकत्ता नहीं था, ये बेंगलोर नहीं था, ये पंजाब और हरियाणा नहीं था, उस वक्त इस दुनिया की शक्ल क्या थी, उस वक्त इस दुनिया की हैरत क्या थी, उस वक्त ये दुनिया किस कैफियत में थी। तो हर इंसान, हर साइंसदान, हर इंसान और हर खोजने वाला जो कि तहकीक करने वाला है, वो आपको बोलता हुआ नजर आएगा, सबसे पहले ये डॉट की शक्ल में, एक बिंदु की शक्ल में, एक नुक्ते की शक्ल में ये पूरी दुनिया थी। जब एक मर्तबा धमाका हुआ, उसमें जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये लंदन हो, जर्मनी हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, चीन हो, रूस हो, ये सारे मुल्क को वजूद में उस धमाके के बाद लाया गया है और एक धमाके के बाद आया है। अब सुनिए, वो डॉट, वो नुक्ता जिसे के तमाम साइंसदानों ने अपने तहकीक के बाद हजारों साल की
बत्तीस के बाद बताया है वो नुक्ता क्या है, वो डॉट क्या है, वो सितारा क्या है, वो बिंदु क्या है। आइए जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तस्लीम की बारगाह में चलिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तस्लीम है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तस्लीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी एज कितनी है, तुम कितनी उम्र के हो, तुम कितने साल के हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तस्लीम का जवाब आ रहा है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम और तस्लीम मुझे ये पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल का हूँ, मुझे अपनी एज का अंदाजा नहीं है, मुझे अपनी उम्र का इल्म नहीं है। अलबत्ता मैं इतना जानता हूँ चौथे हिजाब में एक सितारा तुलू होता था जो 70,000 साल के बाद तुलू होता था। एक सितारा चौथे हिजाब में तुलू होता था जो 70,000 साल के बाद तुलू होता था। तो या रसूलल्लाह मैंने उस सितारे को 70,000 मर्तबा चमकते देखा है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम और तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत वद्दी अना दालिकल कौकब, मुझे अपने रब्बे सुल जलाल की इज्जत की कसम, ऐ जिब्राइल वो सितारा जो चौथे हिजाब में चमकता था वो कोई और नहीं था, मेरा नूर था, मैं ही नूर की शक्ल में चमकता था। मौसम का मिजाज तब्दील हो गया है, बल्कि मैं जो देखकर आ रहा हूँ अगर वो तुम
लेकर बढ़े जा रहे थे, मेरी निगाह ने आज तक आज से पहले किसी भी हसीनो जमीन को उस बच्चे से ज्यादा नहीं देखा। इतना खूबसूरत और इतना हसीनो जमीन वो बच्चा था। लोगों ने कहा ऐसा है क्या? अब सुनिए, उस दरबार ने कहा मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही जबकि मैंने खान ए काबा को देखा और उस बच्चे को देखा जो कि अब्दुल मुत्तलिब की गोद में थे। मेरी निगाह यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब खान ए काबा की तरफ बढ़ रहे हैं या खान ए काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। खूबसूरत समा, खूबसूरत माहौल और खूबसूरत अजीबोगरीब कैफियत पैदा हुए। अब सुने, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम की जब विलादत बासआदत हुई, एक हदीस शरीफ कि वो अहद साली का जमाना था और हदीस शरीफ का मफहूम हुआ अहद साली का जमाना था। अहद साली के जमाने में हर शय की, हर चीज की लोगों को कीमत पता थी। कुछ औरतें मक्के की इर्द गिर्द की आता इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम के घर के इर्द गिर्द जो रहा करती थी वो हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब आई और उन्होंने कहा ए आमना, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस अहदसाली के जमाने में, इस तंगदस्ती के जमाने में तुम्हारे पास इतना तेल कहाँ से आ गया कि तुम रात रात भर चराग रोशन रखती हो, रात रात भर तुम्हारा मकान उत्तरे नूर बना रखता है, रात रात भर तुम्हारे मकान से रोशनी आती हुई नजर आती है। हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब सुनिए। हजरत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, जब से मोहम्मद अरबी की पैदाइश हुई है तब से मैंने अपने घर में चराग जलाया ही नहीं है। ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से निकलने वाला नूर है और वो नूरी किरण है जिससे मेरा सारा घर मुकरे नूर बना हुआ नजर आता है और नूर की किरणें यहाँ से बाहर निकला करती है। इसीलिए किसी ने कहा कि इसीलिए किसी शायर ने यूं बोया होकर अर्ज गुजार हुए और बयान किया, शहर कौनैन का जलवा मका से ला मका तक है, शहर कौनैन का जलवा मका से ला मका तक है, कहाँ खोले हैं केसु यार ने खुशबू कहाँ तक है, कहाँ खोले हैं केसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। और ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। ये आंसू है वहां जाके मेरा दम निकले, ये आंसू है वहां जाके मेरा दम निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد الطارق وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। मैंने जिस आयत मुकद्दसा को अपनी तकरीर का मौजू बनाया है उस मौजू पर लौटते हैं। जब रसूल कायनात अलैहि सलाम और तस्लीम की विलादत बासआदत हुई, माथे की निगाह से देखने वालों ने देखा और पहचाना और फैसला किया, ये सरजमीन अरब पर पैदा हुए हैं इसलिए ये अरबी है, कबीले कुरैश में पैदा हुए हैं इसलिए कुरैशी हैं, किसी ने कहा खानदान बनू हाशिम में पैदा हुए हैं इसलिए ये हाशमी है, किसी ने कहा अब्दुल्लाह के बेटे हैं, किसी ने कहा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदने पाक से इनकी विलादत हुई है, ये आमना के लखते जिक्र हैं, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की ये औलाद है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। अर्ज के हर इंसान ने अपने अपने अंदाज में सरकार की कैफियत बयान की, जिसने जिस हिसाब से देखा उसने उसी हिसाब से सरकार को समझा, जिसने जिस जितने करीब से सरकार को देखा उतने ही करीब से इंसान समझता गया। किसी ने अरब को देखा तो अरबी कहा, किसी ने कुरैश को देखा तो कुरैशी कहा, किसी ने हाशिम को देखा तो हाशमी कहा, किसी ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता कहा, किसी ने हजरत अब्दुल्ला को देखा तो अब्दुल्ला का बेटा कहा, किसी ने हजरत आमना खातून को देखा तो आमना खातून का लफ्ज़े जिक्र कहा। यहाँ पर आकर
की तारीख में भी कुछ इंसान भटकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये शक्ल और शबाहत मुसलमानों सी है, अगर ये शक्ल और शबाहत मुसलमानों जैसी है, अगर ये देखने में उनकी शक्ल और सूरत मुसलमानों जैसी है, लेकिन जब बात आती है रसूल की तारीख की, लेकिन जब बात आती है रसूल की तौसीफ की, लेकिन जब बात आती है रसूल के मर्तबा की बात, जब आती है रसूल के मकाम की बात, जब आती है रसूल की मंजिल की बात, जब आती है रसूल की इज्जत और तौकीर की, तो फिर उस जगह वही इंसान जो उस जमाने जाहिलियत में बोलते थे, मक्का में पैदा हुए तो मक्की हैं, अरब में पैदा हुए अरबी हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, आमना खातून के वतन पाक से पैदा हुए, आमना खातून के लखते दिगर हैं, खानदान बनू हाशिम में पैदा हुए हाशमी हैं, अभी नए कुरैश में पैदा हुए इसलिए ये कुरैशी हैं। अब पता चल रहा है, मालूम हो रहा है उस जमाने जाहिलियत के कुछ लोग यहाँ उठकर चले आए हैं, जो कि नबी कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम को अपनी तरफ और उनके बराबरी और उनकी हमसरी का दावा कर रहे हैं और उनके बराबर होने की वो दलीलें दे रहे हैं कि देखो नबी कायनात की भी पांच उंगलियां थी, हमारी भी पांच उंगलियां हैं, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो आंखें थी, हमारे भी हमारी भी दो आंखें हैं, उनके भी एक उनका भी एक सर था, हमारा भी एक सर है, उनके भी दो पैर थे, हमारे भी दो पैर हैं। मैं कहता हूँ नादान, तुझे पता नहीं है तूने उंगलियां मुस्तफा को तो देखा, तूने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते मुबारक को तो देख लिया, लेकिन उसी अंगुश्ते मुबारक से रसूल कायनात ने जब चांद की तरफ इशारा फरमाया है तो चांद ने अपने सीने को चांद कर दिया है, उसी उंगली से मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मकाम सहबा में सूरत की तरफ इशारा फरमाया है तो डूबा हुआ सूरत पलट कर आ गया है, उसी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब पत्थर को इशारा फरमाया है तो पत्थर पानी पर तैरता हुआ आ गया है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उंगली का ही ये कमाल है कि मुस्तफा जाने रहमत ने दरख्त को इशारा फरमाया है तो दरख्त अपनी जगह से चलकर आ गया है मुस्तफा की बारगाह में। अगर तुझे देखना था तो ये चीज देखता कि मुस्तफा जाने रहमत की उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट कर आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की है मुस्तफा जाने रहमत की उंगली के इशारे से पत्थर तैरता हुआ आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत के इशारे से तरफ अपने आप को उखाड़ कर मुस्तफा की बारगाह में पेश करता हुआ आ रहा है। अगर तुझे ये करना होगा, अगर तुझे देखना होता तो आज की तारीख में तेरा भी अकीदा वैसा ही होता जैसा अकीदा के हमें बरेली के ताजदार ने अता किया है। अल्लाह की सरदार और कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है ली जान है ये। अगर रसूल कायनात अलैहि सलातो व तस्लीम रस्मों और रिवायत को समझना है तो कुरान और हदीस का मुताला कर, कुरान अजीम की तिलावत करे, हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुताला करे, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके सामने अज़हरुम में शम्स चमकते हुए सूरत की तरह जाहिर हो जाएगी कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा किस तरह थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको शूर वाला बनाया है, खुश अकीदा बनाया है, मुस्तफा जाने आलम का मीलाद मनाने वाला बनाया है। लिहाजा आइए उस मौजू की तरफ लौटते हैं जिस मौजू को मैंने अपने गुफ्तगू का मौजू सुखन बनाया है, गर्ज के हर किसी ने अपने नजरिए से अपने एतबार से अपनी फिक्र की बुनियाद पर मुस्तफा जाने रहमत को जैसा देखा वैसा कहा है, वैसा बयान किया है। अब इस जगह आकर हमारा और आपका सवाल होगा तो क्या मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ अरबी है, मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ हाशमी है, कुरैशी है? तो कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आ रहा है, कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आलीशान आ रहा है। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ अरबी नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ हाशमी नहीं है, सिर्फ कुरैशी नहीं है, सिर्फ कुरैशी नहीं है, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं है। अगर तुम्हें अकीदा बनाना है और मतलब मजबूत
अपना अकीदा भी मजबूत रखना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा और आपका अकीदा मजबूत रहा, हम रसूल कायनात अलैहिस्सलाम और तस्लीम से सच्ची तो इज्जत मोहब्बत इश्क करने वाले अगर हुए और उनकी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत उनका इश्क अगर हमारे सीने में और आपके सीने में जागुजी रहा, तो फिर ये यकीन रखिए कि ये दुनिया भी हमारे लिए कामयाब होगी और कब्र में भी हमारी जिंदगी कामयाब होगी और इंशाअल्लाह रहमान मैदान महशर में भी हमारी जिंदगी कामयाब होगी और दुनिया में हमारा और आपका ये ऐलान होगा कब्र की टीवियों से लेके शाही आशियां तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। ये चंद गुजारिशात जो आकाए-ए-आलम अलैहिस्सलाम और तस्लीम की अज़मत और इज्जत के ताल्लुक से मैंने आप हज़रात के पेश गुज़ार किया है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको हम सबको सरकार से सच्ची पक्की अकीदत और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सच्चा पक्का मुहिब रसूल बनकर दुनिया में जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लिखिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल ज़म्बिन व अतूबु इलैह اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله। हमारी और आपकी तमन्ना आरजू हसरत यही होनी चाहिए कि हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है, ये आरजू है वहां जाके मेरा दम निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। وما علينا الا البلاغ। तो जब ये काशी के रसूल कब्र में जाता है तो उसकी कैफियत क्या होती है, और जो आशिक रसूल होता है वो मरने से कभी नहीं डरता, मरने से कभी वो डरता नहीं है। ऐसे ऐसे आशिक इस दुनिया से गुजरे हैं जिनकी मिसाल वो खुद आप हैं, हजरत आसिफ दिया फरमाते हैं कि आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोयत है
है वो आज मुलाकात की राह। यानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इश्के मुस्तफा में गुजार दी, मुस्तफा को देखने की तड़प और लगन उनके दिल में हमा वक्त रहा करती थी। मौत बहाना बनी दीदार मुस्तफा, मरने से पहले कोई नहीं देख सकता मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जिसके दिल में अपने आशिक की तस्वीर छपी हो वो मरने से कब डरेगा। जब ही तो वो कहते हैं कि आज भूले ना समाएंगे कफन में आसी, जिसके जो यथे हैं वो आज मुलाकात के। और आला हजरत फरमाते हैं कि जो आशिक रसूल होगा नकीरैन जी उससे अदब के साथ पेश आएंगे, अदब के साथ उससे पेश आएंगे और नकीरैन भी नरमी का बर्ताव करेंगे। शेर में आप समाज फरमाए, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है, नबी सरवर are